नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो एसी जो होती है, आप कोई भी एसी लेने जाते हैं अगर हम, तो वो टन के ऊपर होती है। ठीक है कि कोई एसी है जो 1.5 टन की है, कोई 2 टन की है, तो आखिर दोस्तों टन से हम वाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि दोस्तों जो भी हम एम्पियर जो निकालते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी में, तो वह एम्पियर किससे निकालते हैं? हम किलो वाट से निकालते हैं, एचपी से निकालते हैं, आखिर इनसे ही निकालते हैं ना। तो दोस्तों हम टन से कैसे एम्पियर निकालेंगे? तो दोस्तों इसके लिए हमको पहले 1 टन में कितने किलो वाट होते हैं वो निकालना आना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है, मैं आपको क्लियर करूँगा कि 1 टन के अंदर किलो वाट कैसे निकालेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँगा एक अभी 1.5 टन का, ठीक है, 1.5 टन का एसी है, तो वो हमारा कितने किलो वाट का है, ठीक है, या फिर कितने एचपी का है, ये हमको पता होना चाहिए, फिर कितने वाट का है। ठीक है, तो मैं ये तीनों चीज़ अभी आपको क्लियर कर दूंगा 1.5 टन के एसी के साथ, एग्जांपल के साथ, और आप इसके बाद 2 टन का एसी भी समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमको जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि किसी भी एसी का हमको एम्पेयर निकालना है, तो हमको ये चीज़ फाइंड आउट होनी चाहिए। तो दोस्तों एक बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, मैं आपको सबसे पहले चीज़ वो क्लियर करूँ जिससे आप कभी अटकोगे नहीं। 1 टन जो होता है, आपको ये दो चीज़ें याद रखने वाली, 1 टन जो होती है हमारे 12,000 BTU के बराबर होता है। ठीक है, 1 टन जो होता है हमारा 12,000 BTU के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो 1 टन बराबर 12,000 BTU, जैसे आपको सिंपल सी चीज़, हम बहुत सारी चीज़ें याद रखते हैं ना, जैसे 1 किलोवाट के अंदर हमारे 1000 वाट होते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो ये सब चीज़ हम जैसे याद कर रखते हैं उसको, उसी तरह हमको ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों 1 टन के अंदर हमारा 12,000 BTU होते हैं। तो अब जैसे मैं 1.5 टन के एसी का किलोवाट निकाल रहा हूँ, तो 1.5 टन का एसी का BTU निकाल लूँगा मैं सबसे पहले। तो 1.5 टन के एसी का BTU निकालने के लिए मैं 1.5 × 12,000 कर दूँगा, सिंपल। ठीक है, 12,000 कर दूँगा तो मेरा दोस्तों आ जाएगा 18,000 BTU। ठीक है, तो दोस्तों 18,000 BTU आ गया, अब बस मेरे पास BTU वैल्यू आ गई, तो अब मेरे को ये मैं अभी HP में हो जाएगा कन्वर्ट ईजिली। ठीक है, मेरे को बस BTU वैल्यू निकालनी थी और मैंने BTU वैल्यू निकाल ली। तो BTU वैल्यू कैसे निकाली? क्योंकि 1 टन के अंदर मैंने आपको बताया है, 1 टन के अंदर हमारा 12,000 BTU होता है। ठीक है, 12,000 BTU। दोस्तों आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये टन जो होता है, टन की फुल फॉर्म होती है टनेज। ठीक है, TONNAGE। ठीक है, इसको ये बोलता है, इसलिए टनेज की शॉर्ट फॉर्म होती है टन, तो हम ईजी वे में टन बोला जाता है। ठीक है, ना कि ये ऐसा होता है कि 1000 kg, ये वो नहीं होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है टनेज। अब दोस्तों हमारे पास आ गया, एक 1.5 टन का एसी है तो हमारा 12,000 BTU है। अगर 1.5 टन की जगह, अगर मैं 1.5 टन नहीं, अगर मैं 2 टन का एग्जांपल लेता, 2 टन के एसी का एग्जांपल लेता, तो वो होता दोस्तों मेरा 12,000 × 2 कर देता मैं उसमें, तो मेरा हो जाता 24,000 BTU। तो दोस्तों अब मेरे पास 18,000 BTU आ गया, अब मैं इसको HP में कन्वर्ट करूँगा। तो दोस्तों HP में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है दोस्तों, अब दोस्तों मैं यहाँ पे स्टार बना के एक और चीज़ लिख रहा हूँ कि 1 BTU जो होता है हमारा, 1 BTU वो होता है दोस्तों 0.003924। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये वैल्यू क्या है दोस्तों, ये 0.003924 ये है HP, यानी 1 BTU हमारा इतने HP के बराबर होता है। अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, बस इसके अंदर इस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो दोस्तों मेरा 18,000 × 0.003924, ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा, वो आएगा 7.07 HP। तो इससे मेरे को पता चल गया कि मेरे पास कितना HP का है, यानी 1.5 टन का जो AC होता है, 1.5 टन का जो AC होता है वो होता है हमारा 7.07 HP के बराबर। ठीक है, अब मैं दोस्तों HP से किलोवाट निकालना, तो आपको पता है बहुत ही सिंपल होता है, HP से किलोवाट निकालने के लिए सबसे पहले मैं वाट में कन्वर्ट कर लूँगा। यह 7 HP है, तो इसके अंदर मैं 746 का मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 7 HP को वाट में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 5274 वाट। ठीक है, जो मेरा 1.5 टन का जो एसी है वो है 5274 वाट का है, और अगर मैं किलोवाट में कन्वर्ट करूँगा तो मैं वाट को 1000 से भाग लगा देता हूँ, तो 1000 से भाग लगाने के बाद आ जाएगा दोस्तों 5.274 किलोवाट। तो दोस्तों आप ये पूरी चीज़ों से समझ तो गए होंगे कि टन से किलोवाट या HP कैसे निकाला जाता है, पर दोस्तों हमेशा ये कैलकुलेशन करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ कि आप शॉर्टकट विधि से टन से किलोवाट कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं टन से किलोवाट निकालना बताऊँगा, तो आप किलोवाट से HP तो निकाल ही लेंगे। तो देखो दोस्तों, टन से किलोवाट निकालने के लिए टन है और टन से मैं किलोवाट निकालना चाहता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको किलोवाट का बता रहा हूँ शॉर्टकट, जैसे जैसे 1 टन का AC है और 1.5 टन का AC लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 1.5 टन का AC है, तो इसमें अभी हमारा कंफर्म भी हो जाएगा। कंफर्म कैसे होगा, क्योंकि मैंने ये अभी सॉल्व कर रखा है, तो यानी मेरा जो 1.5 टन का AC है वो 5.27 किलोवाट आनी चाहिए। तो दोस्तों मेरे जो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट के अंदर आपको सिंपली बस जो भी टन है, जैसे 1 टन का AC है, तो 1 टन के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.5 का, और दोस्तों जो 1.5 टन का AC है उस 1.5 टन के AC भी अंदर आप 3.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आपका किलोवाट आएगा। बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं आएगी, पर दोस्तों आप लगभग लगभग अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 1.5 टन का AC है, तो 1.5 ×
3.5 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा आया 5.25, यानी 5.25 किलोवाट का हमारा जो है एसी है, 5.25 किलोवाट का कंजप्शन करेगा। तो दोस्तों जो हमारा जो आंसर आया था वो आया था 5.27 किलोवाट। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है, आपको भी शॉर्टकट में, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमारे से हर समय नहीं हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर फिर भी आपका कोई सुझाव हो या फिर कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।